हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जेएसएससी के द्वारा जो है नई नोटिफिकेशन जारी की गई है रिगार्डिंग 26,001 पदों पे जो सहायक आचार्य की भर्ती है ना, इसके रिगार्डिंग नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। और ये जो नोटिफिकेशन है वो 6/7 यानी कि ठीक अभी अभी जारी की गई है। अगर मैं टाइम बताऊँ टू बी प्रिसाइज तो इट इज़ 3:36 और लगभग 10 मिनट पहले ये नोटिफिकेशन जो है ऑनलाइन वेबसाइट पे आई हुई है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द नोटिफिकेशन। तो हम लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ये नोटिफिकेशन क्या है और ये अपॉर्चुनिटी क्यों है, आखिरी मौका क्यों है, आखिरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्यों है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए जब आप इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हो ना अपने दोस्तों के बीच तो फिर इस तरह की दिक्कतें आती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपके काम में ये आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, जो भी सहायक आचार्य की परीक्षा दे रहे हैं उन तक वीडियो पहुंचाने का काम जिम्मा आपके से आपके जो है कंधे पर है। तो प्लीज शेयर करें इसे, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, जहां से जो ये पीडीएफ आज की जो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ है यू कैन गेट इट फ्रॉम आर टेलीग्राम चैनल, तो वहां से आप जो है इसे पा सकते हो। तो चलिए सीधे मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूं। देखो एग्जाम डेट को लेकर जो है उसकी भी खबर मैं आपको दे दूंगा, जो है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको जो है आज रात मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां से देखिए ये जो नोटिफिकेशन है यहां से आप देख पाओगे 6/6/2024 की ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, शायद थंबनेल में मैंने गलत लिख रख दिया क्या, वेट ए मिनट देख लेता हूँ, ये 7 लिख दिया, बताओ जुलाई का महीना मैं लिख रहा हूँ, पता नहीं सस्ते नशे करने के यही नुकसान है। बाय द वे मैं नशा नहीं करता हूँ, डोंट वरी। यहाँ से देखो 6/6/2024 की ये नोटिफिकेशन आई हुई है और हम लोग जो है इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसके बारे में कि क्या ये नोटिफिकेशन आई हुई है। यहाँ से आप देख पाओगे आप लोगों को एक मौका दिया गया था 25 से लेकर 28 के बीच की आप जो आपका जो पेपर 4 है पेपर 2 के रिगार्डिंग आप उसे जो है एडिट कर लो। लेकिन देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, बस यहाँ से देख लो कि जो पहले जो जेटेट वाले बंदे हैं ना, ये जेटेट वाले बंदे उनको भी ये मौका मिला हुआ था, उन्होंने भी नहीं किया। यहाँ से देखो 10, केवल आप सबसे ऊपर वाले नंबर को देखना, 11, 12, 13, मतलब मैंने जब किया था मेरा जो रैंकिंग थी, वेट ए मिनट, आई मीन मेरा जो एप्लीकेशन नंबर स्टार्ट था वो 18 से स्टार्ट था। देख रहे हो कितने लोगों ने, बिल्कुल यहाँ से देखो, एक मिनट मैं बड़ा कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ, देखो कितने लोगों ने जो है इस फॉर्म को अभी तक अप्लाई ही नहीं किया है। और फाइनली सोच रहे हो कितने लोग हैं, यहाँ से देखो ये डेटा देखोगे तो आपका दिमाग फट सकता है। देख रहे हो 12,798 कैंडिडेट ने अप्लाई ही नहीं करा है, और मुझे पक्का पक्का भरोसा है ना इसमें आधे लोग, हाफ लोग जो है अभी भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं वीडियो को आप शेयर करो, उनको आखिरी अपॉर्चुनिटी जो है आयोग ने दी है, जेएसएससी ऑफिस ने दी है। देखिए क्या बातें बताई गई है, ध्यान से पढ़िए और अपने दोस्तों को जरूर अवेयर कीजिए, जो आपके परम मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टू बोलते हैं आजकल, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, प्लीज उन तक जरूर वीडियो पहुंचाएं ताकि वो, और एक बार ना फोन करके पूछ लेना, वीडियो नहीं पहुंचाओगे एक बार फोन करके पूछ लेना क्या पेपर 2 वाला जो है आपने किया था एडिट या नहीं किया था। बहुत सारे लोग ना मुगालते में रह जाते हैं, एक्चुअली फॉर्म इतने बार एडिट हुआ है कि लोग भूल जाते हैं कि मैंने क्या करा था नहीं करा था। फिलहाल यहां से देख लो, उक्त अभ्यर्थी दिनांक 10/6/2024 को आयोग के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर पत्र 4 के अंतर्गत विषय का जो विकल्प है उसको जो है संलग्न करके जो है आपको कार्यालय में समर्पित कर देना है। कब तक? 10 तक। और आज की अगर मैं टाइमिंग बताऊं तो आज की जो तारीख है वो 6 हो चुकी है, यानी कि आप कल परसों, आपके पास 3 से 4 दिनों का वक्त है और संडे तो ऑफ ही रहने वाला है, एक संडे भी बीच में शायद आ सकता है। तो प्लीज़ यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा उक्त अवधि में विषय के विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी के पत्र 4 के अंतर्गत विषय के विकल्प के संबंध में आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, यानी कि ये खुद से जो है डिसाइड कर देंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, बताओ। और ये देखो ये पीडीएफ आपको जो है, ये जो पेज है इसको आपको प्रिंट कराना, जिन लोगों ने पेपर 4 यानी कि क्लास 6 to 8 वाले बच्चे, जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं करा है प्लीज़ इसे प्रिंट आउट करा लेना, अच्छे से फिल कर लेना है आपको फॉर्म, और यहाँ पर देखो जो डेटा है ना इसे भर लेना है। ठीक है, और कुछ और भी आपको जो है लेकर जाना है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। यहाँ से देखो जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि मेरा मैथमेटिक्स था तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, मैथ्स लिख लोगे। ठीक है, मैथमेटिक्स ही लिख लेता हूँ मैं, मैथमेटिक्स आप यहाँ पे लिख लोगे। एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फिजिक्स लिखना है। अब देखो मैं फिर से एक बार ना, मेरा हमेशा से रूल रहा है कि मैं जो अपने लिए करता हूँ मैं चाहता हूँ कि आपके लिए भी वही हो। ठीक है, ये पता नहीं मेरा ये सही से स्क्रीन टच काम नहीं कर रहा, इतनी गंदी हैंडराइटिंग तो मेरी नहीं है, खैर कोई नहीं। यहाँ से देख लो
तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री में देखो जिनका जो पेपर है ना उसके अकॉर्डिंगली आप जो है बिहेव करना, पीसीएम जो है आप लेना, जिन लोगों ने इंटर में पीसीएम रखा है वही लोग पीसीएम लो। बहुत सारे लोगों ने क्या कराना, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं धरती पर जिन्होंने बायो ले रखा है। अब देखो एक्चुअली इन्होंने कहा नहीं है कुछ भी, लेकिन आप कैसे बायो रख लोगे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बायो जिन बच्चे ने कभी पढ़ा ही नहीं वो बायो कैसे रख सकते हैं? तो खैर जिनको रखना है रखने दो, मैं तो किसी के पर्सनल चॉइस में इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बड़े भाई होने के नाते या फिर छोटे भाई होने के नाते आपसे सलाह दूंगा, एक बार ना आप किसी जानकार व्यक्ति से, अपने से किसी सीनियर व्यक्ति से जाकर पूछ लेना कि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है तो क्या मैं बायो रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, एक बार पूछ जरूर लेना आप किसी प्रोफेसर से या फिर किसी प्रिंसिपल से या फिर हेडमास्टर से, और उनकी राय लेकर ही आप आगे बढ़ना। मैं कहता हूँ मेरी राय को मत आप जो है वैल्यू करो, आप अपने जो आपसे पूछनी है जिनको आप जो है थोड़ा मानते हो तो उनसे जाकर एक बार प्लीज कंसल्ट कर लेना। अब आगे देखिए यहाँ पे एक और बात बताई गई है, भाषा शिक्षक हेतु जो है उनको भी एक विषय का चयन किया जाना है, यहाँ से आप देख लो चयन कर लेना है, और गणित से जो है तीन विषय का चयन किया जाना है। अब देखिए सामाजिक विषय के लिए भी चयन करना है, तो आप देख लेना आपने जो पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग। अब देखो जो ऑनलाइन आपने आवेदन किया है ना उसका जो ऑनलाइन वाला जो फॉर्म आपने निकाला होगा उसे भी यहाँ पे क्या करना है, अटैच कर देना है, और आपका जो है सिग्नेचर यहाँ पे लगेगा, तो सिग्नेचर करके जाएं। और कुछ मैं आपको चीजें बता देता हूँ, शायद यहाँ पे नहीं लिखी गई है, मांगा जा सकता है आपसे, आधार कार्ड की फोटोकॉपी या फिर ओरिजिनल आधार लेकर जाएं आप, आधार कार्ड आपसे मांगा जा सकता है गेट पे कि आप ही हो या क्या हो, लेकर जाओ आप, एक परिचय पत्र तो एटलीस्ट आपके पास होना ही चाहिए, और आधार इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीथिंग, तो प्लीज आधार लेकर जाएं, पैन कार्ड लेकर जाएं, कुछ भी हो एक एटलीस्ट आपका जो है परिचय पत्र एक होना ही चाहिए, वो मैं आपको मस्ट बोथ जो है बोलूंगा। तो देखिए इतने लोग 12,000 लगभग 13,000 कंसीडर कर लो, इतने लोगों ने सब्जेक्ट ही नहीं चुना है, कैन यू बिलीव इट, ये क्या हो रहा है? तो देखिए प्लीज भर लें, अदरवाइज आपकी कैंडिडेचर देखो यहाँ पे आयोग ना उल्टे पुलटे सब्जेक्ट अगर आपके लिए चुन देगा तो फिर आप सपोज करके देखो, मेरा बहुत ये फनी थिंग्स लग रहा है, सपोज कर लो कि आप पढ़कर जा रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और वहाँ पे आपसे जो है जूलॉजी केमिस्ट्री और बॉटनी के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्या करोगे आप, जस्ट थिंक ओवर इट, आप जो है पूरी तरह से डूब जाओगे। तो प्लीज एक बार एडिट कर लें, यही वीडियो की मैं सोच रहा था ना कि मैं ऑनेस्टली बताऊं मैंने पीडीएफ ओपन नहीं किया था, मुझे बस पता था कि एक नोटिफिकेशन आई है और लोगों को अपॉर्चुनिटी दी गई है कि एक बार आप जो है अपने गलतियों को सुधार कर सकते हो। ये नंबर देखकर मेरा जो माइंड है ना वो ब्लो कर गया, इतना नंबर, समझ रहे हो, लगभग 13,000 कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म एडिट नहीं किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुँचाएँ उन तक, और नहीं पहुंचाना है वीडियो कोई बात नहीं, आप कॉल करके एक बार उनको बता दो, एटलीस्ट मेरा जो मोटो है इस वीडियो बनाने का कि लोगों तक सही अवेयरनेस पहुंच सके। बाय द वे ये वीडियो पसंद आई हो तो आप नीचे कमेंट करके अपने सिटी का नाम जरूर लिखना, ये वीडियो आपके लिए मैं देवघर झारखंड से बना रहा था, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा ये वीडियो आप कहां से देख रहे थे, वीडियो को यहां तक देखने के लिए प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ गुड डे।